नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में जो कि कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त सन 2018 को और 17 सितंबर तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सूर्य अब अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है उनके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी स्वराशि सिंह राशि होने के कारण जब कोई भी व्यक्ति अपने घर पे होता है तो ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा बलवान अपने आप को महसूस करता है। तो सूर्य क्या है, पंचमेश होकर के पंचम में ही स्थापित होंगे तो उनके लिए बहुत ही उत्तम रिजल्ट वो लेकर के आएगा। हालांकि थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है क्योंकि उनके संतान भाव का ये स्वामी है, उनके प्रेम भाव का स्वामी है, तो उनका जो ऑपोजिट पार्टनर है या संतान है थोड़े से जिद्दी मिजाज के हल्के फुल्के हो सकते हैं या थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, परंतु ओवरऑल में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत बलवान रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी खुद की बुद्धि का भी वो स्थान है। एक्चुअली क्या है कि अब तक क्या था, उनकी फोर्थ हाउस में ट्रेवल कर रहा था, उनकी माता जी को गुस्सा आ रहा होगा या कहीं ना कहीं इस प्रकार की संभावनाएं रही होंगी या घर के कुछ परिवर्तन के योग बने होंगे क्योंकि आपने इसे प्रयत्न किया हुआ था। पर अब क्या है कि उनके फिफ्थ हाउस में जो गोचर है वो उनको बहुत हेल्प करेगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर जो उनकी संतान है ऐसा सोच सकती हैं कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्यों? क्योंकि सूर्य को जो है मैं गवर्नमेंट राजा यानी गवर्नमेंट का भी प्रतीक मानता हूं, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट जॉब के कोर्सेज के लिए कुछ अप्लाई करने की संभावनाएं बने, उनका मन करे, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। इवन आपका स्वयं, क्योंकि स्वयं का भी बुद्धि का वो स्थान है, तो आपकी बुद्धि इस प्रकार जा सकती है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर होने की सोच सकते हैं, परंतु जो थोड़ा बहुत जिद की संभावना है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा यही बोला है कि सबसे पहले आपकी जो है जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है। ये छोटे गोचर केवल हेल्प करने के लिए आते हैं। अगर आपकी कुंडली में जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार पहले से महादशा अंतरदशा बहुत अच्छे नक्षत्रास में चल रही होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर वो नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होगी तो थोड़ी बहुत आपको समस्याएं आ सकती हैं, तब वो इतना ये गोचर आपको हेल्प नहीं करेगा। पर जैसा मैंने हमेशा बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं, ज्योतिष कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं ये सूर्य के गोचर की वजह से, तो सभी मेष राशि के जातक हर रविवार को गेहूं या गुड़ या घड़ी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को अगर रेगुलरली करते चले जाएंगे तो वो देखेंगे धीरे धीरे उनका सूर्य बेटर रिजल्ट देता चला जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या कुछ स्थितियां जिद, आपकी संतान जिद कर रही है, तो आप जो है उनके नहाने के पानी में कच्चा दूध प्लस गंगा जल अगर डेली मिलाएंगे तो देखेंगे मानसिक शांति काफी मिलेगी, चंद्रमा का प्रभाव उनके ऊपर उत्तम हो जाएगा जिससे सूर्य का जो गर्म प्रभाव है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, थोड़ा कम होता जाएगा और यही सूर्य का गोचर आपको बेटर रिजल्ट देता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मेष राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।